हाय गाइस, आप देख रहे हैं ऑटो वाले अंकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका जो है जबरदस्त और जो है ऑटो वाले अंकल अशोक सर। दोस्तों मैं अशोक गुप्ता आपके सामने जो है दबंग और देख रहे हैं राजू यादव को जो है अलग रिएक्शन में, जो कि आज जो है केआरके को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, जहाँ से है वहाँ से हम लोग जो है बोल बोल के उनको थका देंगे। राजू यादव हाय दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूँ केआरके को बोलना चाहता हूँ। आज अभी एक वीडियो कल डाले थे उन्होंने, बोले कि मेरे को सलमान खान ने केस कर दिया, मैं उनको दद्दू बोला इसके लिए। लेकिन मेरे भाई, मेरे सर, मेरे गुरु, मेरे स्टार नहीं बन पाए कुछ ना, आप नहीं बन पाए ना। आप दुबई में बैठ के किसी की खिंचाई करोगे क्या ऐसा? दुबई में बैठ के किसी भी खिंचाई करोगे, दद्दू बोल दोगे, कभी कुछ बोल दोगे, किसको पोती बोल दोगे, किसको ये बोल दोगे, किसको मॉडल बोल दोगे, कुछ भी बोलते बैठोगे तो तुम्हारे पे केस नहीं करेगा, तो क्या तुम्हारा आरती उतारेगा क्या? हाँ, फिर वीडियो बना के बोलते हैं मेरे पे केस नहीं करना चाहिए था उनको, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मेरे को कोई पिक्चर अच्छी नहीं लगी तो मैं अच्छा कहता। अरे भाई, तुम्हें पिक्चर अच्छी नहीं लगी ना तो नहीं बोल सकते भाई मेरे को पिक्चर अच्छी नहीं लगी। अभी पिक्चर अच्छी नहीं लगी, वो प्याज की तरह उसका बोकला उधेड़ रहे हो, झूठ मूठ का ऐसा है तो उसमें ऐसा है तो उसमें वैसा है तो उसमें ऐसा है तो सलमान खान वैसा है तो बुढ़े की उम्र का दिखते तो मैं उनको जवान कैसे बोलूं, उनको मैं 22-23 साल का लौंडा कैसे बोलूं। अरे भाई, दद्दू बोल लायक है तो दद्दू बोलूंगा, ऐसा बोल, मतलब बोलने की गरज क्या है तुमको? तुमको पूछने जा रहे क्या मेरे को? भाई केआरके मेरे को बता मैं कैसा दिख रहा हूँ, वो पूछते हैं क्या मैं कैसा दिख रहा हूँ? 22 साल का दिख रहा हूँ क्या, 45 साल का दिख रहा हूँ क्या, 55 साल का दिख रहा हूँ क्या, 60 साल का पूछते हैं तुमको? तुमको बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, फिर बोलते मेरे पे केस कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो अपना बॉम्बे वेलवेट पे, वेलवेट पे, बॉम्बे वेलवेट जो अभी रिव्यू दिए उसका एक दिन और पहले, उसमें बोलते हो जो जो करण जोहर को बोलते हो ये कभी तक खूंखार हो गया। अभी किसी को डायरेक्ट ऐसा बोलोगे, कितने जन आप लोग को देखते ऐसा डायरेक्ट बोलते हो कि ये कभी से खूंखार हो गया, और वो डायरेक्टर को चुतियापा बोलते हो, चुतियापा जैसा कहानी है, ये है वो है। इतने जबरदस्त डायरेक्टर, अरे क्या हो तुम यार, तुम क्या हो? कश्यप सर को बोलते हो कि चुतियापा जैसे कहानियां कर रहे हैं, रणवीर कपूर को बोलते हो कि अरे वो बॉक्सिंग कर सकता है, वो कभी बॉक्सिंग नहीं कर सकता है। अरे एंटरटेनमेंट रहती है पिक्चर, माने क्या होता है पिक्चर में, क्या सब हकीकत नहीं रहती है क्या? पिक्चर में एंटरटेनमेंट रहता है, लोग ये दुनिया को मालूम है कि एक आदमी को मार नहीं सकता है, 50 आदमी को कैसा मारेगा, लेकिन वो एंटरटेनमेंट रहता है। और तुम पागल के जैसा कुछ भी बकते, जो मुंह में आए वो बकते, जो मुंह में आए बकते, अब फिर बोलोगे मेरे को ऐसा बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो। अभी तो एक जन ने किया, सबके पीछे लोगे ना, सब लोग तुम्हारे ऊपर केस करेगा, अंदर डाल देंगे तुमको, समझ गए क्या? कुछ भी बोलते तो किसको ऐसा बोलते हो, किसी को चुतियापा बोलते हो, किसी को और कुछ बोलते हो। हीरोइन को बोलते हो कि मेरे को डिनर पे कश्यप सर को डिनर पे बुलाया था, उनको काम मिला। हाँ, अनुष्का शर्मा को तुम बोले डिनर पे गए तो काम मिला, उसका मीनिंग आदमी क्या निकालेगा? फिर इसके लिए बोलता हूँ केआरके भाई, तुम ऐसा मत करो कुछ, किसी को भी कुछ भी मत बोलो, किसी को बदनाम मत करो ऐसा। समझ गए ना? ऐसा बदनाम करते हो फिर बाद में बोलते मेरे को ऐसा तो बोलता है सब लोग, फिर ऐसा मत करो। तुम रिव्यू दे रहे हो ना, पिक्चर का रिव्यू दो, अच्छी लगी तो ठीक बोलो, नहीं अच्छी लगी तो तुम खराब बोलो, कौन बोलता है मत बोलो, तुम्हारे हिसाब से तुम बोलो। लेकिन किसी को कुछ भी बोलोगे, किसी को कुछ भी बोलोगे, फिर बोलोगे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, आप कौन होते बोलने वाले? हाँ, उतने बड़े बड़े डायरेक्टर लोग हैं, उतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर लोग हैं, उतने बड़े एक्टर लोग हैं, अब उन लोग को आप सिखाओगे? कुछ काम के नहीं हो, दुश्मन अनाज के हो, सिर्फ बैठे आराम दुबई में, और दुनिया को तुम सिखाओगे कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ? हाँ, मैं सबको बता सकता हूँ कौन बुरा है, कौन अच्छा है, कौन खराब, आप भी बता सकते हो? बाकी 125 करोड़ आबादी में कोई मालूम नहीं क्या कि कौन क्या चल रहा है दुनिया में? आप बताओगे तो लोगों को मालूम गिरेगा? मतलब ये अपने को ज्यादा होशियार समझ, बहुत बहुत, अरे ओवर स्मार्ट बनना बंद करो, ये ओवर स्मार्ट बन रहे हो आप, ये बंद कर दो, और किसी को उल्टा बोलना भी बंद कर दो। समझ गए ना? बस इतना ही बोलना चाहता हूँ दोस्तों, और मेरी जो मैसेज दिया हूँ अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल के ऑटो वाले अंकल को, और घंटी जरूर दबाना। जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार।